हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। माय नेम इज आशीष मधुकर। आई हैव टोटल 8 years सेल्सफोर्स सर्टिफाइड, 2 years कपॉट, एंड आई हैव टोटल 5+ year एक्सपीरियंस इन अ सेल्सफोर्स डेवलपमेंट सिस्टम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शेड्यूल फ्लो। तो हम हाउ वी कैन यूज शेड्यूल फ्लो, हम कैसे यूज करेंगे और क्या सिनारियो हो सकता है कि हम उस सिनारियो में यूज करेंगे बेसिकली। ओके, तो आज हम शेड्यूल फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने एजेंडा पे। व्हाट इज शेड्यूल फ्लो, हाउ टू यूज शेड्यूल फ्लो, एंड उसके बाद हम एक सिनेरियो करेंगे और डेमो के साथ। ठीक है, तो पहले शेड्यूल फ्लो क्या होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज शेड्यूल फ्लो। शेड्यूल फ्लो इज अ फीचर इन सेल्सफोर्स दैट अलाउ यूजर्स टू ऑटोमेट प्रोसेसेस बिजनेस प्रोसेसेस बाय शेड्यूलिंग ए फ्लो टू रन एट अ स्पेसिफिक टाइम और ऑन अ रेगुलर शेड्यूल। ओके, ए फ्लो इज अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट ऑटोमेट ए बिजनेस प्रोसेस सच एज क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड, अपडेटिंग अ रिकॉर्ड। एंड शेड्यूल फ्लो कैन बी यूज टू ऑटोमेट रिपिटिव टास्क सच एज सेंडिंग ए ईमेल रिमाइंडर्स और अपडेटिंग अ रिकॉर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो जो भी आप इस सिनारियो है, जैसे कि आप एपीएस क्लास में शेड्यूलर का नाम सुना होगा कि हम कोई भी एपीएस क्लास बैच क्यू फ्यूचर मेथड को हम शेड्यूल कर देते हैं रन करने के लिए किसी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो सेम शेड्यूल फ्लो को भी हम कर सकते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, कैसे शेड्यूल करेंगे हम उसमें आज देखेंगे अपने डेमो में। तो बेसिकली शेड्यूल फ्लो हम यूज करते हैं कोई भी रिकॉर्ड हमें वीकली बेसिस पे क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो सोच लो, जैसे कि जितने भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपका फ्लो मान लो चेक करता है कि अगर उस अकाउंट में कोई फ्लो नहीं है, डेली बेसिस पे आप रन करना चाहते हो कि उसमें कोई अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर दे। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि जो भी टास्क है, अगर कोई भी केस क्रिएट हुआ है उसमें कोई टास्क क्रिएट नहीं है, जो जो उसके टास्क का ओनर है तो ऑटोमेटिक टास्क क्रिएट कर दे और उस केस ओनर को असाइन कर दे। ठीक है, ईमेल रिमाइंडर, आप चाहते हो कि कोई केस है जो मतलब उसका एक केस है, जैसे आज केस क्रिएट हुआ था बट एक दिन हो गया उसको उस केस ओनर ने टच नहीं किया, मतलब कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, उसका एक दिन बीत गया, तब तो उसको ईमेल रिमाइंडर भेज सकते हो केस का। लीड के लिए भी आप ऐसे लीड का रिमाइंडर ईमेल, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे सिनारे हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो सिनारियो आज लेके चल रहे हैं वो सिनारियो लेके चल रहे हैं कि अपडेट केस स्टेटस क्लोज्ड, व्हाट आर द केस स्टेटस दैट आर मार्क्ड एज रिजॉल्व। ओके, ठीक है, तो हम आज वो देखेंगे कि जो भी हमारा केस है, जो भी हमारा केस है स्टेटस, उसका हम क्लोज मार्क कर देंगे जो भी केस रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये फ्लो आप डेली बेसिस पे भी रन कर सकते हो और आपको अगर वीकली बेसिस पे रन करना है तो वीकली बेसिस पे रन कर सकते हो। ठीक है, तो बिना वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में और करते हैं उसका हैंड जॉन। ठीक है, अब हम सबसे पहले केस पे आते हैं, तो केस में चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजॉल्व करके जो स्टेटस फील्ड है इसमें है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम एक क्रिएट कर लेंगे इसमें पिकलिस्ट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरे पास जो पिकलिस्ट वैल्यू है स्टेटस का, न्यू है, वर्किंग है और एस्केलेटेड। ठीक है, तो रिजॉल्व करके कोई केस स्टेटस इसमें नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस केस स्टेटस में जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे और इसके स्टेटस में हम क्रिएट करेंगे अपना केस स्टेटस रिजॉल्व करके। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे स्टेटस टाइप करते हैं, स्टेटस पे आ गए। तो स्टेटस में देखिए हमारे जो फील्ड है वो सारे फील्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे, ऑलरेडी हमारे पास कौन कौन सा है, न्यू है, वर्किंग है, एस्केलेटेड है, देन क्लोज्ड है। ठीक है, रिजॉल्व करके हमारे पास नहीं है, तो क्लोज जैसे कि हम रिजॉल्व मतलब कि कोई भी हमारा केस हुआ था वो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, बट बिजनेस चाहता है कि इसको हम रिजॉल्व में 2 दिन रखते हैं या 3 दिन, जो भी आप टाइम पीरियड दे सकते हो रखते हैं। उसके टाइम पीरियड के बाद अगर जो यूजर है उसको कोई इशू नहीं आता है तो एक केस ऑटोमेटिक
हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके सिनारियो हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व एक स्टेटस दे देते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा पिकलिस्ट बन गया यहाँ पे रिजॉल्व करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा केस है, तो हमारे पास बहुत सारे केस हो सकते हैं। हम देखते हैं कितने हमारे पास टोटल ऑल ओपन केसेस है। तो मेरे पास टोटल 4 ओपन केसेस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन स्टेटस में से 4 में से मैं 2 को रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा है स्टेटस, वर्किंग सेव देन एस्केलेटेड। तो रिजॉल्व का हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा रिजॉल्व का क्यों नहीं आ रहा है। बाय डिफॉल्ट न्यू, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कोई हमारा रिकॉर्ड टाइप तो नहीं है। नो, कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं है, ठीक है। चलते हैं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इस रिकॉर्ड को, उसके बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरा रिफ्रेश हो चुका है, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा इस आ रहा है ना रिजॉल्व करके। तो इस केस को हम रिजॉल्व करते हैं 2 केस को, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं, ठीक है, ऑल ओपन केसेस। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिजॉल्व, और ये लास्ट वाले को भी रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 2 केस हमारे रिजॉल्व है। तो अब ये 2 केस है मेरा, कौन सा है, 1002 एंड 1026, ये 2 केस रिजॉल्व है। तो हमारे उस शेड्यूल फ्लो से ये दोनों केस क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आते हैं फ्लो में अपने, ठीक है, और हम क्रिएट करेंगे शेड्यूल फ्लो। ओके, तो शेड्यूल फ्लो कैसे रन करना है उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो आ गए हम शेड्यूल फ्लो पे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है शेड्यूल फ्लो का, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, शेड्यूल फ्लो देन क्रिएट न्यू। अब शेड्यूल फ्लो आपका यहाँ पे देखिए कि स्टार्ट डेट कब से होना चाहिए, कि किस डेट से आप रन करना चाहते हो, आज से, कल से, जो भी डेट होगा स्पेसिफिक वो देना है आपको। देन टाइम, टाइम आपका देखिए यहाँ पे 11 to 12 to 11:45 तक है, इतने टाइम टाइम तक आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट बाद 2 बार रन करना है तो आप यहाँ से 40 कर सकते हो ऐसे, ठीक है, आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, बस 3 ही कर सकते हो, इसे ज़्यादा नहीं कर सकते। वंस, डेली एंड वीकली, ठीक है। इसमें मंथली का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम या तो वंस एक बार सिर्फ रन करना चाहते हैं, उसके बाद रन ना हो, डेली रन कर सकते हो आप, वीकली कर सकते हो। तो मैं इसको डेली पे शेड्यूल कर देता हूँ, ओके, अभी के लिए। उसके बाद हम इसको रन करेंगे स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। देन अब हमारा ये शेड्यूल फ्लो हो गया है। अब यहाँ पे चूज ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे करना है आपको, यहाँ आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया केस। अब यहाँ पे कोई कंडीशन आप लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्टली गेट रिकॉर्ड करना है तो गेट रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गेट रिकॉर्ड पे जाके वहाँ पे चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं दे दिया नो कंडीशन, विदाउट कंडीशन के हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं गेट रिकॉर्ड, हमने गेट रिकॉर्ड कर लिया। ओके, मैं करता हूँ गेट रिजॉल्व केसेस। ओके, देन यहाँ पे केस ऑब्जेक्ट पे हम इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं अपना, जो भी हमारा है, मैं दे दिया यहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू रिजॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, हाउ मेनी रिकॉर्ड टू स्टोर, वन या ऑल। तो हमें सभी रिकॉर्ड चाहिए जितने भी रिजॉल्व, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड आ गए मेरे पास। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे जो आपका केसेस है उसको अपडेट करने हैं,
स्टेटस जो भी आ रहे रिजॉल्व उसको क्लोज करना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं हम, डिसीजन, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लिया कि हैज रिजॉल्व केसेस फाउंड, ओके, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यस, अगर रिकॉर्ड मिला, ठीक है, देन इज नल इक्वल टू फॉल्स। अगर मुझे नल रिकॉर्ड मिलेगा तभी हम इसको अपडेट करेंगे, ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे अभी जो रिकॉर्ड आ रहा है आपके पास उसी रिकॉर्ड को यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर लूप। अब यहाँ पे फॉर लूप चला सकते, देखिए यहाँ पे आप हमारे पास ये सारे भी ऑप्शन आ गए हैं, वेट फॉर कंडीशन, वेट फॉर अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये सारे आप यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए हम यूज करते हैं लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आइट्रेशन ऑन रिजॉल्व केसेस, ओके, और यहाँ पे जो कलेक्शन है आपका, ये कलेक्शन कौन था, जो गेट रिकॉर्ड का, इस पे क्लिक, फर्स्ट टू लास्ट आइटम, हमें फर्स्ट से लास्ट आइटम पे रन, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है आपको इसको, अब आपको दो वो बना सकते हो यहाँ पे रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप का, तो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड टाइप का वो बना लेता हूँ अपना वेरिएबल, वायर क्लोज केसेस, ओके, वायर का भी स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया किस रिकॉर्ड का होगा, केस टाइप का, ओके, इनपुट आउट कर लिया, देन डन। एक वेरिएबल और बनाना है हमें इसी का लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर आया कि वेयर क्लोज्ड केसेस लिस्ट, ओके, सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और इसको अलाउ कर देना है मल्टीपल वैल्यू कलेक्शन, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो अपना ऑब्जेक्ट केस, ठीक है, देन इनपुट आउटपुट, उसके बाद आते हैं हम, डन हो गया, डन। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप चेक करना है अपडेट कि जो आपका केस रिजॉल्व हो चुका है उसके लिए असाइनमेंट रूल, यहाँ पे असाइन स्टेटस फ्रॉम रिजॉल्व टू क्लोज, ओके, अब क्या स्टेटस है पहले असाइन करना है आपको, यहाँ पे आपको असाइन करना है जो आपका ये लूप आइटम आ रहा है उसमें से, जो लूप आइटम आ रहा है उसका स्टेटस इक्वल टू क्या करना है आपको, आप क्लोज्ड, ठीक है, ये आपका असाइन हो गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हो यहीं पे कि और यहाँ पे असाइनमेंट लगा सकते हो, या फिर सेम यहीं पे इसी असाइनमेंट में आपको क्या करते हो, यहीं पे ऐड कर दो उसको, तो ये जो आपका है केसेस रिकॉर्ड, ओके, यहाँ पे जो रिकॉर्ड केसेस है उसको आप यहाँ पे असाइन कर दो, सॉरी यहाँ पे इसको आप इसको नहीं करना है, इसमें आपको जो आपको ये केसेस आएंगे वो करना है, यहाँ पे जो वायर क्लोज केसेस इस पे आपको करना है, देन आईडी को इसकी आईडी, और यहाँ पे आईडी इक्वल टू यहाँ पे आपको करना है ये आइट्रेशन डॉट आईडी, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, ये जो वायर है आपका वायर केसेस वायर, इसको डॉट स्टेटस इक्वल टू क्लोज, ठीक है, ये हो गया। देन इसमें क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देन असाइनमेंट, अगर आप क्या करो उसको आप लिस्ट में साइन कर दो, देन
रिकॉर्ड असाइन टू द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट कैसे यूज करोगे, ये जो आपका असाइनमेंट है ये वाली, इसमें करोगे लिस्ट इक्वल की जगह आपको करना है ऐड, देन आप उनको कौन सा ऐड करोगे, ये जो आपका वायर वाला रिकॉर्ड था, ठीक है, देन डन। अब क्या होगा, ये सब कुछ हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आके लास्ट में, जब ये आफ्टर लास्ट रिकॉर्ड, मतलब जो ये लूप चल रहा है, ये लूप के लास्ट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, अपडेट। तो यहाँ पे आप कर दो इसको अपडेट रिकॉर्ड, यहाँ पे अपडेट केस स्टेटस ओके, स्टेटस रिजॉल्व टू क्लोज्ड ओके। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है कि क्या कैसा कौन सा अपडेट करना है, अपडेट रिकॉर्ड, रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड, यूज और स्पेसिफिक डिफाइन रिकॉर्ड। तो हमें क्या है, मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है उसका कलेक्शन का है, तो हमें क्या करना है, ये वाला लिस्ट को यहाँ पे दे देना है अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब इसको हम फ्लो को क्या करते हैं, सेव, हमने सेव कर दिया केस रिजॉल्व टू क्लोज्ड अपडेट फ्लो, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, अब आपको यहाँ पे फ्लो को या तो शेड्यूल कर लो या तो डिबग करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कितना हो रहा है, 10:39 हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको शेड्यूल करना है 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, तो कैसे रन करेगा वो देख लेते हैं। मेरे पास कितना हो रहा है अभी, 22:10:30 की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 39 ओके, देन सेव और देन एक्टिवेट ओके। ये मेरा अभी 38 हो रहा है, ठीक है, 39 पे हमने सेट किया है। अब एक बार चेक करते हैं 39 पे आके यहाँ पे, ठीक है, तो 39 हो गया देखिए यहाँ पे। अब हमने फ्लो शेड्यूल यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दिया था, देखते हैं हमारा चला क्या, रिजॉल्व से क्लोज हो गया कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब हमारा टाइम यहाँ पे प्रॉपर सही से नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे ऑल ओपन केस के हमारा गायब हो गया, वो कहाँ चला गया, क्लोज के अंदर, ऑल क्लोज केसेस यहाँ पे आ गया हमारा। तो कैसे आप देखोगे कि कौन सा मेरा अभी क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ओपन डेट की जगह पे लास्ट मॉडिफाइड डेट आता है हमारा, ठीक है, वो भी यहाँ पे डाल लेते हैं एक बार, लास्ट मॉडिफाइड का फील्ड डाल लेते हैं यहाँ पे, लास्ट मॉडिफाइड डेट, ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं। और इससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा रिकॉर्ड, तो आज यहाँ पे 19:06 दिखा रहा है, इसको शॉर्ट कर लो, देखिए 22:11:39, 22:11:39, तो ये दो रिकॉर्ड देखिए, हमारा ये रिकॉर्ड था ना, 101002 और 1026, ये दोनों देखिए क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे शेड्यूल फ्लो को शेड्यूल कर सकते हो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और वंस कर सकते हो, ओके। और किसी को आपको रिमाइंडर भेजना है, किसी को वो आपको कोई रिकॉर्ड और अपडेट करना है या क्रिएट करना है, तो आप ऐसे शेड्यूल फ्लो शेड्यूल करके, देखिए यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है कि 22 से स्टार्ट कर रहा है, 10:39 पर डेली रन करेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे डेली सेलेक्ट किया इसीलिए तो डेली रन करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही सारे केसेस के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को भी, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये हमारा था शेड्यूल फ्लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, या आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हो, ओके। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई
हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।